हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने माइक्रोवेव्स के बेसिक्स, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखे। अब इस वीडियो से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन थियरी पढ़ना शुरू करेंगे। ये टॉपिक के लिए मैंने रिफ़र किया है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग बाय डेविड पोजार। माइक्रोवेव सर्किट एनालिसिस एंड डिवाइसिस में ट्रांसमिशन लाइन का सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट ब्रिजिस द गैप बिटवीन फील्ड एनालिसिस एंड बेसिक सर्किट थियरी। सर्किट थियरी और ट्रांसमिशन लाइन थियरी में मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल साइज का। बेसिक सर्किट थियरी में क्या है कि नेटवर्क के फिजिकल डायमेंशन इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ से काफ़ी कम होते हैं, हालांकि ट्रांसमिशन लाइन की साइज वेवलेंथ जितनी या उसके मल्टीपल में होती है। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क है और उसमें वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड एंड फेज लेंथ के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग ऐसे टू वायर लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट है जेड डायरेक्शन में और उसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ है डेल्टा जेड। अब ये पॉइंट पे करंट है आई ऑफ जेड एंड टी एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस टू वायर्स इज वी ऑफ जेड एंड टी। तो ये पॉइंट पे करंट बनेगा आई ऑफ जेड प्लस डेल जेड एंड टी एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस टू एंड्स आर वी ऑफ जेड प्लस डेल जेड एंड टी। अब आपको लगेगा कि ये दोनों पॉइंट पे करंट वोल्टेज डिफरेंट क्यों? क्या करंट एंड वोल्टेज पोजीशन जेड का फंक्शन है? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि रियल लाइफ में कोई भी वायर परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता। इट हैज़ सम इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन का लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल। ये सिंपल ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे लम्प्ड एलिमेंट सर्किट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हियर आर रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर्स, एल रिप्रेजेंट द टोटल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट एंड जी इज शंट कंडक्टेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस इन द मटेरियल बिटवीन द कंडक्टर्स। सो बेसिकली यहाँ पे आर एंड जी दोनों लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्पेस की वजह से कैपेसिटेंस भी एक्जिस्ट करेगा। अब सपोज हम ये सर्किट पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो इक्वेशन बनेगा, केवीएल का इक्वेशन है वी ऑफ जेड ऑफ टी माइनस आई जेड एंड टी इंटू आर डेल जेड माइनस एल डेल जेड डी ऑफ आई जेड टू टी बाई डी टी माइनस वी जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी इक्वल टू जीरो। अब ये जो वी वाली टर्म है वो दोनों को इक्वेशन के एक साइड और बाकी की टर्म्स को इक्वेशन के इस साइड लेते हैं तो इक्वेशन मिलेगा वी जेड प्लस डेल जेड कॉमा टी माइनस वी ऑफ जेड एंड टी इक्वल टू माइनस आर डेल जेड इंटू आई जेड ऑफ टी एंड माइनस एल डेल ऑफ जेड डी आई जेड एंड टी बाई डी टी। अब ये इक्वेशन को दोनों साइड डेल्टा जेड से डिवाइड करते हैं सो डिवाइड बाई डेल्टा जेड तो इक्वेशन बनेगा वी सेड प्लस डेल सेड एंड टी माइनस वी ऑफ सेड एंड टी डिवाइड बाय डेल सेड इक्वल टू माइनस आर आई सेड ऑफ टी माइनस एल डी आई सेड एंड टी बाय डी टी। अब दोनों ओर हम लोग लिमिट लेते हैं सेड टेंड्स टू जीरो सो इक्वेशन इज लिमिट डेल्टा सेड टेंड्स टू जीरो वी ऑफ सेड प्लस डेल सेड एंड टी माइनस वी ऑफ सेड एंड टी बाय डेल सेड इक्वल टू
माइनस आर आई जेड माइनस टी माइनस एल डी आई जेड एंड टी बाय डी टी. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये जो टर्म है पूरा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी ऑफ सेड कॉमा टी बाय डी सेड इक्वल टू, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, माइनस आर सेड एंड टी माइनस एल डी आई सेड एंड टी बाय डी टी. सो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन. अब सपोज हम लोग सेम सर्किट पे किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करते हैं, KCL, तो इक्वेशन क्या बनेगा, I सेड माइनस सेड एंड टी माइनस जी डेल सेड वी ऑफ सेड प्लस डेल सेड एंड टी माइनस सी डेल सेड d of v z plus del z and t by dt minus I z plus del z comma t equal to 0. अब सेम वे जैसे हम लोगों ने KVL में किया था, इसी तरह से हम लोग अगर इसमें I वाली टर्म को एक साइड ले जाए और बाकी की टर्म्स को इस साइड ले जाए और उसको डेल सेट से डिवाइड करते हैं, डेल सेट डिवाइड बाय डेल सेट एंड सेट टेंस टू जीरो लेते हैं, तो हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा d of I z and t by d z equal to minus g v of z t minus c t of z and t by dt. So ये हुआ हमारा second equation. सो हम लोगों ने फाइनली ये दो इक्वेशंस डिराइव किए. दिस आर द टाइम डोमेन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, ऑल्सो दे आर कॉमनली नोन एज टेलीग्राफर्स इक्वेशंस एंड दिस इक्वेशंस वेर डिराइव्ड बाय ओलिवर इन 1880s. सेम इक्वेशन को हम साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं.